Assalamualaikum, welcome to GFXMentor. मैं आपका टीचर इमरान और आज लेकर आ गया हूँ After Effects की क्लास नंबर 2 और आज हम देखेंगे पोजीशन के डिफरेंट तरीके यानी है एक ही वैल्यू पोजीशन और उसको किस-किस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं उसके अंदर क्या-क्या डिटेल्स हैं तो वो आज देखेंगे हम तो आइए स्टार्ट करते हैं Welcome back. So, पिछली क्लास में आप लोगों ने जो देखा मैंने एक साथ पोजीशन स्केल रोटेशन ओपेसिटी सब कुछ एनिमेट किया था दैट वाज अ सिंपल थिंग बट आज थोड़ा सा डिफरेंट चीज ये कि खाली एक पोजीशन के अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से हमारे पास एक न्यू कंपोजिशन I mean new project रखा हुआ है blank मैं यहां से एक न्यू कंपोजिशन ले रहा हूं और न्यू कंपोजिशन वही हमारी HD 1920x1080 and 10 second की animation enough है okay आप चाहें तो अपना background color change कर सकते हैं कोई मसला नहीं है so let's take some good color मैं ये orange color ले रहा हूँ and okay so अब आपके सामने जो एक composition आई है इसका simply background color orange है ठीक है फिर से मैं कोई एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूं फिर से वही फ्लावर और आई लव दीस फ्लावर्स यार बड़े अच्छे इमेजेस हैं ये ठीक है एंड इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं और दैट्स इट इसको मैं सिंपली उठा के लाके रख रहा हूं अपनी टाइमलाइन पर और इसका साइज मैं एक्चुअली छोटा करना चाह रहा हूं बहुत बड़ा साइज है तो साइज छोटा करने के लिए मैं सिंपली यहां पे जा रहा हूं ट्रांसफॉर्म में और इसका स्केल छोटा कर रहा हूं ठीक हो गया अब मैं इसको बल्कि और थोड़ा सा छोटा करते हैं ठीक है राइट लाइक दिस ओके मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूं सिंपली यहां से यहां तक और सिर्फ पोजीशन एनिमेट करनी है तो हमें इतनी सारी वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है जिस तरह से पिछली क्लास में मैंने बताया था अगर आप खाली P प्रेस कर दें तो आपको सिर्फ पोजीशन की वैल्यूज दिखने लगेंगी मैंने सिंपली यहां पे क्लिक किया यानी एनिमेशन स्टार्ट की राइट एंड 1 सेकंड में आकर के मैंने सिंपली इसको यहां पर लाके रख दिया ऑलराइट सो अब ये 1 सेकंड में यहां से यहां तक चल के आ रहा है ऑलराइट एक छोटी सी चीज अब क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है तो आपको शायद इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा मैं अपनी बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाह रहा हूं सही है बड़ा सिंपल सा एक शॉर्टकट है कंट्रोल के वरना आप कंपोजिशन में जाके कंपोजिशन सेटिंग्स में भी जा सकते हैं कंट्रोल के यहां पर लिखा हुआ है सिंपली इस पे जाएंगे मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे ले रहा हूं आई डोंट वांट कि मुझे ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा था सो ठीक है सो मैं इसको डार्क ग्रे लिया है एंड दैट्स इट सो ये अब हमारी एनिमेशन है कैन यू सी दीस डॉट्स ये जो छोटे-छोटे से डॉट्स आ रहे हैं ये आपके फ्रेम्स हैं सी अगर मैं अभी स्पेस बार दबाता हूं तो ये 1 सेकंड में यहां से यहां तक आ रहा है ठीक है मैं अपना वर्क एरिया छोटा कर रहा हूं ताकि हम इतने की ही प्रीव्यू देख सके बट रुक जाएं थोड़ी देर एक और चीज बतानी थी कि हम अपने की फ्रेम्स को मैन्युअली मूव कर सकते हैं सी जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूं ये डॉट्स की तादाद बढ़ रही है ये डॉट्स क्या हैं आपके पूरी एनिमेशन में कितने फ्रेम्स आ रहे हैं ठीक है सो अगर मैं अब चलाऊं तो ये बहुत ज्यादा स्लो चल रहा होगा ठीक है नाउ अगर मैं इसको बहुत फास्ट कर दूं मतलब बहुत करीब कर दूं तो ये देखें आपके पास डॉट्स कम हो गए दैट मींस कि अब ये सिर्फ इतने ही फ्रेम्स पर एनिमेट हो रहा है अगर आप अपनी टाइमलाइन को ज़ूम करके देखना चाहें तो वही ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ करें या एक और ज़्यादा बेहतर तरीका कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं प्रेस करना सिंपली प्लस कीबोर्ड पर दबाएंगे सो ये बेसिकली मैं अगर आप देखें मेरा की इंडिकेटर आपको बता रहा है इज इक्वल टू सो अल्फाबेट्स के ऊपर जो कीज हैं उसमें प्लस एंड इक्वल्स टू दोनों साथ-साथ हैं ठीक है सो माइनस और इक्वल टू ये आपका zoom in zoom out कर सकता है so इस वक्त currently हम 8 frames में ये animation कर रहे हैं ठीक है alright मैं अपनी timeline को दोबारा से zoom out कर रहा हूँ alright एक चीज देखें जब भी कोई चीज इतनी fast move होती है तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि ये jerks feel हो रहा होता है can you feel these jerks मैं इसको जरा work area को छोटा कर रहा हूँ और अब आप देखें आपको जर्क फील हो रहे हैं इट्स नॉट दैट स्मूथ एनिमेशन सो याद रखिएगा जितने ज्यादा इसमें फ्रेम्स होंगे उतनी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन होगी बट देन हमें बहुत स्लो मरी हुई सी एनिमेशन नहीं अच्छी लगती तो वी कैन ऐड सम मोशन ब्लर सी नेचुरली जब भी कोई चीज आपके सामने से बहुत स्पीड में गुजरती है फॉर एग्जांपल गाड़ी
ठीक है, अगर गाड़ी आपकी बहुत स्पीड में आपके सामने से गुजरती है तो आपको वो गाड़ी पूरी तरह से नहीं दिखती, इनफैक्ट आपको मोशन ब्लर दिखता है। अब मोशन ब्लर ऐड करने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो कि यहां पर ये जो आपकी लेयर है इसी में आगे आ जाएं, यहां पर ये कुछ स्विचेस हैं और यहां पर ये पहला वाला जो स्विच है यानी कि स्लैश वगैरह के बाद ये वाला जो सर्कल्स के साथ बना हुआ है दिस इज मोशन ब्लर, यहां पे ऑन कर लें। अभी भी मोशन ब्लर ऑन नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट आपने ये करना होगा कि यहां से आकर के मोशन ब्लर इनेबल करना होगा, यानी कि पूरी टाइमलाइन का मोशन ब्लर यहां से इनेबल करेंगे। इसको यूं कह लें कि ये एक मास्टर स्विच है, ठीक है। अब आपकी एनिमेशन में मोशन ब्लर आ चुका है, सो अब अगर आप इसको चला के देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक स्मूथ एनिमेशन लगेगी जस्ट बिकॉज के मोशन ब्लर ऐड हो चुका है, ठीक है। दैट्स इट। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वापस वहीं पे चला जाए तो एक बड़ा सिंपल सा टिप आपको दे रहा हूँ, आप आएँ सिंपली इस की फ्रेम को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें, सो अब ये सिंपली आगे आएगा और फिर पीछे चला जाएगा लाइक दिस। बहुत सिंपल सा काम है, ठीक हो गया। नाउ मैं इस एनिमेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि खाली ये वाला की फ्रेम डिलीट कर रहा हूँ, कीबोर्ड से डिलीट मैंने प्रेस किया तो वो हमारा एनिमेशन हट गई। नाउ अभी तक हमारे पास ये वाली एनिमेशन है, इसको मैं थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ ताकि ये थोड़ी सी स्लो चले। एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखें यहाँ पर जो ये आपकी पाथ दिख रही है बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप की पाथ होती है, ठीक है। एंड इस पाथ में भी आपके पास ये कर्व हैंडल्स मौजूद हैं, राइट। आप इसको इस तरह से कर्व कर सकते हैं, सो यहाँ से ये हो गया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो है वो ये रहा हैंडल। आप इस तरह की एनिमेशन भी इजीली कर सकते हैं। सो इनिशियली हमने जब एनिमेट किया था दैट वाज क्वाइट स्ट्रेट पाथ, अब ये आपकी पाथ कुछ इस तरह की हो गई है, ठीक है। एंड इसको मैं अगर ड्यूरेशन कम करूँ तो आपको मोशन ब्लर के साथ दिखेगा जो कि काफ़ी बेहतर सा लगेगा, ठीक है। मोशन ब्लर आपको चेक करना है तो बीच में कहीं यहाँ पर आकर के रुक जाए। एक अच्छी बात यह है कि ये मोशन ब्लर आपको उसी डायरेक्शन में देगा जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका मोशन ब्लर, आई बिलीव आप लोगों को मोशन ब्लर समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ ये पाथ के जो हैंडल्स हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। नाउ व्हाट इफ मुझे कुछ स्ट्रेट मूवमेंट्स चाहिए, ठीक है। मैंने सारी एनिमेशन हटा दिए कीबोर्ड से डिलीट दबा के, ठीक है, सेलेक्ट करके की फ्रेम एंड देन डिलीट दबाया। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये स्टार्टिंग में यहाँ हो, फिर ये यहाँ पर आ जाए, फिर ये यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए एंड देन फिर ये यहाँ पर आ जाए, राइट। सो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने स्टार्ट लिया पोजीशन पे, मैंने की फ्रेम लगाया एंड जैसे मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ उसको मैं ड्रैग करके यहाँ ला सकता हूँ। वैसे आप ज़रूरी नहीं कि ड्रैग करके लाओ, आप यहाँ से जो ये वैल्यूज़ हैं इसकी एक्स एंड वाई, आप इसकी एक्स वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। किस तरह बढ़ा रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करके रखा हुआ ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड पे, जितना राइट साइड पे आप जाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ घटती जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो हमारी एनिमेशन ये बनी, ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे आ जाए, सही है। सो ऑब्वियसली मैं इसकी वाई वैल्यू छेड़ना चाह रहा हूँ, ये मैं इसको नीचे लेकर आ गया। नाउ एक प्रॉब्लम, कैन यू सी दिस कर्व, ये बहुत बुरा लग रहा है कर्व। अब इसको कर्व को हटाने के लिए अगर आप ऑल्ट के साथ ब्रेक करते हैं कर्व, जिस तरह से इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में भी किया जा सकता है, एक तो हो जाएगा, जब आप दूसरा करने जाएंगे तो कई बार एक प्रॉब्लम आता है कि पिछला वाला वापस सीधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये है ही कर्व्ड ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करेंगे इस पर, यानी इसी एंकर पॉइंट पर, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप जाएंगे सिंपली की फ्रेम इंटरपोलेशन और यहाँ से जो ये स्पेशल पाथ आ रही है इस पर कंटिन्यूस बेजियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे लीनियर, इसको ओके करें, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट। सिमिलरली मुझे अब आगे लेके जाना है इसको, मैं यहाँ से यहाँ लेकर गया और इस वाले को भी राइट क्लिक, की फ्रेम इंटरपोलेशन एंड लीनियर, ठीक। एंड लास्टली मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको यहाँ लेकर गया एंड इसको भी की फ्रेम इंटरपोलेशन एंड लीनियर, दैट्स इट, डन।
हमारी एक बड़ी सिंपल सी एनिमेशन बन गई. क्या बनी कि ये यहाँ से यहाँ आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ गया, एंड देन फिर ऊपर चला गया. आई नो ये दिस इज़ क्वाइट इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है. बहरहाल एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आपको इन तमाम की फ्रेम्स का एक साथ ड्यूरेशन चेंज करना है, तो एक तो ये हो सकता है कि आप इंडिविजुअली इनको की फ्रेम्स को मूव करें, दूसरा एक ये हो सकता है कि इनको सेलेक्ट करें, ऑल्ट का बटन दबाएंगे और आखिरी की फ्रेम से ड्रैग करें, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे टाइम पर. ये बड़ा मज़ेदार सा एक तरीक़ेकार है आप चीज़ों को, अपनी एनिमेशन का ड्यूरेशन कम या ज़्यादा करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं. सारे की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे एंड ड्रैग करेंगे लास्ट की फ्रेम से, ठीक है. तो ये हमारी एक सीधी सी एनिमेशन हो गई. तो आई बिलीव आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा. बट देन एक चीज़ आपने नोट की कि जब मैं ये पाथ एनिमेट कर रहा था, इट वॉज क्वाइट इरिटेटिंग. बार बार मैं जा करके मुझे लीनियर वो करना पड़ रहा था, सही है, इंटरपोलेशन को, और दिस इज समटाइम्स क्वाइट इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है. इससे बेहतर तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा बेहतर तरीका वो ये है कि इसको पहले तो आप इनिशियली कहीं पर भी जहाँ रखना चाह रहे हैं वहाँ रख दें, और आप आ जाएं सीधा इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, ठीक है. और मैं यहाँ पर सिंपली एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, राइट. और ये न्यू फाइल एग्जैक्टली उसी साइज़ की होनी ज़रूरी है जिस साइज़ की आपकी कॉम्पोजिशन है. दैट मीन्स कि ये 1920x1080 यहाँ से आप ले सकते हैं सिंपली 1920x1080 एंड इसको सिंपली क्रिएट करें. मैंने एंटर प्रेस किया, ये आपकी बन गई. Now, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है. मैं सिंपली एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बनाया. दिस इज आर पाथ. नाउ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको कॉपी करें कंट्रोल सी और आफ्टर इफेक्ट्स में आए और इसकी फ्लावर की पोजिशन पर क्लिक करें. यहाँ पर क्लिक मत करना, की फ्रेम ऐड नहीं करना, आप सिंपली पोजीशन पे क्लिक करें एंड पेस्ट. इसने खुद से आपको वही एनिमेशन पूरी बना के दे दी, ठीक है. नाउ ऑब्वियसली अब ये यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है. यूजुअली इस तरह की क्लोज्ड पाथ में थोड़ा सा मसला रहता है, ठीक है. दूसरी चीज़ या तो आप ये कर सकते हैं कि पाथ आप वहाँ पर बना लें और स्टार्टिंग पॉइंट वही लें जो आप चाह रहे हैं. सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से. मैंने पेन टूल लिया, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो. सो पेन टूल से मैं वहाँ वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ जहाँ जो पोजी जो लाइक सीक्वेंस मुझे चाहिए. सो मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है, पेन टूल से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और अब इसको अगर आप कॉपी करके वहाँ पर ला के पेस्ट करेंगे सीधे क्या होता है. मैंने पोजिशन पर क्लिक किया एंड पेस्ट. अब ये स्टार्ट होगा यहाँ से क्योंकि मैंने इलस्ट्रेटर पे जब पाथ बनाई थी तो वो उसी सीक्वेंस में बनाई थी जिस सीक्वेंस में मैं चाह रहा था इसको मूव करना. अब यार ये चीज़ मज़े की चीज़ ये है कि जब आप पाथ इस तरह की लेकर आते हैं वहाँ से तो ये आपस में खुद ही इंटरलिंक्ड होते हैं. आप अपने वालों को भी कर सकते हैं, अभी रहने दें, अभी आप समझ लें कि ये आपको खुद से एक एडवांटेज दे रहा होता है कि जब भी आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप से पाथ लेकर आते हैं तो ये आपकी सारी एनिमेशन खुद ही इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है. अब अगर मैं इसको फैलाऊंगा, कोई ऑल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली खुद ही आपका रोव अक्रॉस द टाइम वाला सीन हो रहा होता है, आपके सारे फ्रेम्स जो हैं खुद ही एडजस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है. सो यस आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के भी समझ में आ गया होगा. अब जाहिर है ज़रूरी नहीं कि यार यही इस तरह की थकी हुई सी हम पाथ बनाएं, हम कुछ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इलस्ट्रेटर पे गया. याद रखिएगा कि आपकी इलस्ट्रेटर पे जो फाइल आपने लिए वो लाजमी उसी साइज़ की होनी चाहिए जिस साइज़ की आपकी एनिमेशन बना रहे हैं, यानी फुल HD की वहाँ पर है तो यहाँ पर भी मैंने फुल HD का ही साइज़ लिया हुआ है, ठीक है. मैं सिंपली एक पाथ बना रहा हूँ यानी स्ट्रेट लाइन, ठीक है. और मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा zigzag किया जाए. सो मैं इफेक्ट्स में जा रहा हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से ले रहा हूँ zigzag. प्रीव्यू ऑन करें और साइज इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ एंड इसके रिजेस भी बढ़ा रहा हूँ. सो ये कुछ इस तरह की zigzag पाथ आपको दिख रही होगी एंड साथ ही मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ. तो अब ये हमारी पाथ जो बनी है कुछ इस तरह की बनी है zigzag से. और एक और चीज नोट करें, मैंने थोड़ी सी पाथ बड़ी बनाई थी जस्ट बिकॉज कि मैं इसको बाहर तक लेके जाना चाह रहा था. तो इसको पाथ को कॉपी करें और सिंपली आकर के, अच्छा एक और चीज़ याद रखें कि जब आपका इफेक्ट्स होते हैं
पुराने वर्जन्स में थोड़ा सा मसला ये आता था कि ये फिर भी पाथ स्ट्रेट ही लेता था. तो अगर ऐसी सूरत में ये हो रहा हो कि आप यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं, वो स्ट्रेट पाथ ला रहा है, तो आप अपनी इस पाथ को एक बार एक्सपैंड कर लें. यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपेयरेंस, दैट्स इट. ठीक है, आप ये भी कॉपी कर सकते हैं और नए वर्जन्स में यानी सी सी के वर्जन्स में आप वैसे भी कॉपी करके ला सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. यहाँ पर आके मैं सिंपली इसकी पोजीशन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड पेस्ट. तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ आपके यहाँ पर आ जाएगी एंड ये आपका फ्लावर कुछ इस तरह से एनिमेट कर रहा है. सीरियस फनी नहीं? ऑलराइट, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें एंड दैट्स इट. ये हो गया आपका इस तरह की कुछ एनिमेशन. आई बिलीव आपको यहाँ तक के ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? चलें एक और मसला. लेट से हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट होता. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इलस्ट्रेटर में ही. क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं? सिंपली कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ. लेट्स मेक अ ट्राइंगल एंड ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया और बीच से इसको काट देते हैं. सो यहाँ पर मैंने बीच में एक सिंपली लाइन बनाई है और पाथ फाइंडर में जा कर के इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ. विंडो पाथ फाइंडर एंड यहाँ से डिवाइड. ठीक हो गया. इसका मैं थोड़ा सा अनग्रुप कर रहा हूँ जल्दी से और कलर मैं चेंज कर देता हूँ. लेट्स से ये ग्रे है और ये भी ग्रे है, लाइट एंड डार्क ग्रे, या कोई भी कलर आप ले लें, कोई मसला नहीं है. सो लेट्स से मैं इसमें रेड ले लेता हूँ. कलर यहाँ से असाइन करें RGB और इसमें भी मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ. दैट्स इट. ऑलराइट, इसको मुझे एज एन इमेज लेकर आना है या वेक्टर फाइल लेकर आनी है. सिंपली इसको कॉपी करें, न्यू फाइल लें और इसको लाके पेस्ट कर दें. एक चीज़ आप इलस्ट्रेटर में ये कर सकते हैं कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दें और अपना वो ये ले लें आर्टबोर्ड टूल, इस पर आके डबल क्लिक करेंगे तो इसी साइज़ का आपका आर्टबोर्ड हो जाएगा. ठीक है, इसको सेव करें एंड सेव AI फाइल सेव कर रहा हूँ मैं उसकी. ट्राइंगल कहाँ सेव करेंगे हम? आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर. ठीक है, क्लास 2. और ट्राइंगल नाउ इसको मैं सेव करके सीधा जल्दी से अपने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर रहा हूँ. डबल क्लिक करें यहाँ से और सो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया और ये यहाँ पर आ गया. नाउ देखें एक चीज़ बहुत काम की मैं आपको बता दूं कि इसको पहले तो मैं ज़रा सा छोटा कर रहा हूँ. ठीक है, AI फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाती है और वो वेक्टर ही रहती है. किस तरह से रहेगी वो मैं अगली आने वाली क्लासेस में बता दूंगा. नाउ इसको मैं सिंपली ये चाह रहा हूँ कि ये रोटेट हो. सही है, और रोटेट कैसा हो? कि एक सर्कल पर ये घूम रहा हो. अब ऑब्वियसली यार सर्कल पे घुमाने के लिए लेट्स ब्रिंग अ सर्कल पाथ. वापस आ रहा हूँ मैं इसी साइज़ पे क्योंकि ये हमारा जो साइज़ है हमारा ये एक तरह से गाइड है. ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ से एक एलिप्स टूल लेकर के सर्कल बना रहा हूँ. ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा रखें. ये दिमाग में रखें कि आपका इतनी जगह होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट नज़र आता रहे. ठीक है, इसके सेंटर पर ये घूम रहा होगा. सो मैं इसको सिंपली कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और यहाँ पर आकर के पोजीशन पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ. अब अगर इसको चला के देखें आप, सॉरी यहाँ पर नहीं, स्टार्टिंग से पोजीशन पे पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अब अगर आप इसको चला के देखें तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है जो कि बहुत बुरा लग रहा है. मैं ये फ्लावर वाली लेयर डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम कुछ और चीज़ देख रहे हैं. सही है, सो इसको मैं जैसी चला रहा हूँ तो ये देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो रहा है. मतलब मैं चाह रहा था कि ये इसी पाथ पे साथ साथ घूमता भी जाए. सही है, अभी ये क्लॉकवाइज यूँ चल रहा है लेकिन आप ये देखें कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पर है. राइट, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ पहली बात कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होना ज़रूरी है. ठीक है, मैंने बिल्कुल पाथ के साथ इसको बिठा दिया. ठीक, अब ज़रा चला के देखें तब भी ये यूं ही चल रहा है. मैं चाह रहा हूँ कि ये पाथ के साथ साथ घूमे भी, मतलब रोटेट भी खुद होता रहे. राइट, इसके लिए मैं सिंपली एक काम ये कर रहा हूँ कि इस लेयर को सेलेक्ट रखिएगा, लेयर में जाइएगा,
ट्रांसफॉर्म में जाइएगा एंड यहाँ लास्ट में एक आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो ओरिएंट या कंट्रोल ऑल्ट ओ प्रेस कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और ये आपसे पूछ रहा है कि ऑटो ओरिएंट क्या करना है, ऑफ या ओरिएंट अलोंग पाथ। ओरिएंट अलोंग पाथ पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब देखेंगे कुछ अजीब हो गया, ठीक है। सो अब मुझे इसको रोटेट करके दोबारा से इसकी पोजिशन बतानी है कि जी इसकी इनिशियल पोजिशन ये होनी है, ठीक है। और ज़रा पोजीशन ऑन करें, ज़रा चला के देखें इसको। आला हो गया, ज़बरदस्त। सो अब अगर मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपका कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है। आप चाहें तो इसकी स्केलिंग और छोटी कर दें, क्योंकि स्केल पे तो हम कोई एनिमेट कर ही नहीं रहे, ठीक है। ये मैंने छोटा कर दिया और अपना जो यू प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ दिख जाएँ क्या चीज़ एनिमेट हो रही है। पिछली क्लास में मैंने बताया था यू शॉर्टकट है, अगर आप किसी भी लेयर की ये देखना चाह रहे हैं किस पे पोजीशन या कोई भी चीज़ एनिमेट हुई तो आप खाली यू प्रेस कर दिया करें, आपको सिर्फ वही वैल्यूज़ दिखा देगा। दैट्स इट, आला। और अब चूँकि ये फास्ट मूव हो रहा है, लेट्स एड सम मोशन ब्लर। और यहाँ से मोशन ब्लर हमारा ऑलरेडी ऑन है, चेक करें इसको, ज़बरदस्त। अब ऑब्वियसली यार रेड कलर और ये पीछे ग्रे नज़र नहीं आ रहा, आप चाहें तो पीछे का कलर चेंज कर लें बैकग्राउंड कलर, तो कंट्रोल के आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एंड सिंपली आप जैसे कंट्रोल के दबाएंगे आपके सामने ये आ जाएगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर रखना चाह रहा हूँ, ओके करें एंड ओके करें और सीधा ये आपकी एक मज़ेदार सी एनिमेशन हो गई। तो ये यहाँ पर आके रुक रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना वर्क एरिया यहाँ तक रखा हुआ है। तो इसको मैं काम ये करता हूँ कि इसको यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। चेक करें ज़रा, सो दैट्स इट। आज हमने पोजीशन पे एक दो चीज़ें और देख ली और आई बिलीव आप लोगों को ये तो समझ में आएगा। अभी पोजीशन ख़त्म नहीं हुआ है, पोजीशन पे अभी एक क्लास और होगी। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई, पोजीशन पे एक और क्लास डेफिनेटली लाऊंगा, क्योंकि अभी दो तीन ऑप्शंस और बचे हुए। होल्ड पोजीशन वाला एक है जो मैंने अभी नहीं बताया, वो अभी आप लोगों को ज़्यादा हो जाएगा डोज, ठीक है। एक और चीज़ है कि हम अपने माउस से किस तरह से एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी बड़े मज़ेदार सी चीज़ है। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आई तो कर लो डिसलाइक, कोई मसला नहीं बन, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों को पसंद आई है, ठीक है। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और 5000 लाइक्स कर दिया करो यार, कर दिया करो, बड़ी खुशी होती है। पिछली बार से अब नहीं हो रहे हैं, आप लोग ढीले पड़ गए, पता नहीं क्यों। थैंक यू।